आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बिलारी स्थित ग्वारखेड़ा गांव पहुंचा। लगभग 3000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान संतोष कुमारी हैं, जिन्होंने अपने गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से करवाया है। बात अगर गाँव में शिक्षा की करें तो इस गाँव में जूनियर हाई स्कूल नदारद ही दिखाई दिया, लेकिन प्राइमरी पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 80 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए भी दिखाई दिए। गाँव में आने वाले लाभों में कुछ लाभ ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों को मुहैया कराए गए हैं, जबकि अभी कुछ लाभ सरकार से प्राप्त भी नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा जब एबीपीएस न्यूज टीम ने की तो पाया कि वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में लगभग 14 हैंडपंप लगवाए गए हैं, जिससे पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। वहीं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से 50 बिजली के पोल व 8 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गाँव में लगवाए जा चुके हैं। एबीपीएस टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा गाँव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही साथ शौचालयों का निर्माण कर पात्रों को आवंटित भी किया जा चुका है, जिससे गांव को शौचमुक्त बनाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवासों का आवंटन भी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी सरकार से कुछ और आवासों की ग्राम प्रधान को मांग है, जिससे गांव वालों को खुले में न रहना पड़े। वहीं गांव में सोलर लाइटें भी लगवाई जा चुकी हैं, जिससे पथ प्रकाशन के लिए ग्रामीणों को किसी भी तकलीफों से न गुजरना पड़े। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक अंत्येष्टि स्थल, बारात घर, पंचायत घर, पानी की टंकी, 1 किलोमीटर लंबा रास्ता जल्द से जल्द ठीक कराएं व इनका निर्माण करवाएं, जिससे ग्रामीणों को तकलीफों से ना गुजरना पड़े। ग्राम प्रधान संतोष कुमारी, मैं पुत्र धनेश कुमार, ग्राम पंचायत ग्वारखेड़ा, ब्लॉक बुलारी। जब से हमारी प्रधान शुरू हुई है, हमने लगभग 10-12 रास्ते करा दिए हैं और शौचालय बनवाए हैं, 50 शौचालय बनवा दिए, और हमने 16 लाइट लगवाई और एक खम्भे वाली लाइटें लगवाई। और हमारे गांव में एक पंचायत घर नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्थल नहीं है। इन चीज़ों की हमारे लिए सख्त ज़रूरत है। और हमारे एक रास्ता है, वो रास्ता होना, उसमें निकलने में लोगों को दिक्कत आती है। वो लगभग रास्ता 800 मीटर का है। हमारे गांव में किस्त जो है कम आती है, और हमारे गाँव के लिए, हमारे गाँव में विकास के लिए काम बहुत है। इसमें हमारे गांव का काम हो नहीं पाता है इतने पैसे में। हमारे गांव में रिवर की सख्त ज़रूरत है। हमारे गांव में लगभग 5 नलों की ज़रूरत है।